उठो। ये सब क्या है? सच सुनना चाहती हो तो सुनो, मेरी नौकरी छूट गई है। क्या? कब? 3 हफ्ते पहले। जब से तुमने गाना शुरू कर दिया तब से मेरी बर्बादी शुरू हो गई है। विक्रम, ये सब झूठ है। मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया है, तुम्हारी खुशी के लिए मैंने आज तक ये सब कुछ किया है, और तुम ही तो चाहते थे कि मैं एक घरेलू औरत बनी रहूं। ओह, तो ये कुर्बानी तुमने मेरे लिए दी है, पर इससे भी तुमने ढंग से नहीं किया, और अब मैं ये कुर्बानी का बोझ नहीं उठा सकता। यही सच है। सच कहते तो तुम डरते हो, ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी जिंदगी में एक दूसरी औरत है और इसलिए तुम ये सब कर रहे हो? माया, मेरी जिंदगी में दूसरी औरत इसलिए है क्योंकि पहली औरत थी ही नहीं, सिर्फ एक बीवी थी जो बीवी बनकर खुश रहने का दिखावा कर रही थी। अच्छा विक्रम, मैं सब ठीक कर दूंगी, तुम मत जाना। माया, तुम जाओ, तुम कॉन्सर्ट के लिए जाओ, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी में उसके अलावा कुछ बचा ही नहीं। प्लीज विक्रम, मेरी एक बात तो सुन लो। प्लीज विक्रम, आई लव यू विक्रम, प्लीज प्लीज मत जाओ विक्रम। फिर झूठ, तुम्हारा ये फरेब मैं झेल नहीं सकता। इसने मुझे बर्बाद कर दिया, और एक बात याद रखना, तुम जिस दुनिया में जा रही हो वो एक जंगल है, वहां एक दिन भी नहीं रह पाओगी। और हाँ, जब तुम्हारे गाने वाने का भूत उतर जाएगा ना, तब तुम मुझे याद करोगी। हटो। बहुत हो गया। क्या कर रही हो माँ? तुम्हारे लिए खाना बना रही हूँ। पर आज तो कॉन्सर्ट है ना? तो क्या हुआ, कॉन्सर्ट के साथ साथ तुम्हारा ख्याल भी तो रखना चाहिए ना। हम बाहर से मंगवा लेंगे ना, तुम अपने काम पे ध्यान दो। प्रिया, मैं तुम्हारी माँ हूँ और मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। और मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। तो प्रिया मैडम, अब तुम्हारी माँ टीवी पे आने वाली है, इसका ध्यान रखना। ओके, और विक्रम आएगा तो इसे जाने मत देना। उसकी चिंता मत करना। थैंक यू, बाय। चलो जल्दी करना है। बाय बाय रीना, हियर वी कम। इज दैट मार? नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, वी लाइक टू ब्रिंग यू द विनर्स ऑफ द बैनर कॉन्टेस्ट। इट्स इंस्पिरेशन। देखो, मुझे भी बार बार अच्छा नहीं लगता है कि तुम्हारे रास्ते में आ जाऊं, लेकिन बात नहीं कर रहा हूं तुमसे, जब तक तुम मेरी शर्तों को पूरी नहीं करते वहां जाने से जो भी है बाद में देखा जाएगा। वो बात बाद में आदमी कुछ नहीं। हिम्मत है तो रोक के दिखाओ। बर्बाद तू अपने आप भटका है। देखो मैं उससे बात कर रहा हूं। गाइस स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट, जस्ट गो 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 इन। एक्सक्यूज मी, तुम एक मामूली शहर की फालतू लड़की हो। हिंदुस्तान में सब लोग गाते हैं लेकिन बाथरूम में गाते हैं। तुम जिस दुनिया में जा रही हो वो एक जंगल है। क्या कर रही है तू? नहा धो, तैयार हो जा।
आपकी वजह से सारा स्कूल मुझे जानने लगा है। तुम अपने काम पे ध्यान दो। काफी सामान है। नहीं वो कह कि आपका वो कहने की बात है। जी आपके यू नो आपके पास थोड़ा दूध होगा? मिलेगा। थोड़ा कॉफी भी अगर और चीनी? अंदर आइए, कॉफी बना ही देती हूँ।